बोट रोकर्स 450 हमारे पास जहाँ पे इस मॉडल के हेडफोन हैं जिसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। प्राइस की बात करें तो भाई 3000 से ज़्यादा, लेकिन मैंने इसको जहाँ पे परचेस किया 1300 के आसपास। साइड में मैं इसका जो प्राइस है वो बता दूंगा। बाकी चीज़ों की बात करें तो पूरा मैं इसको चेक करने वाला हूँ, साउंड क्वालिटी चेक करेंगे, सबसे जरूरी इसको गेम के साथ टेस्ट करेंगे क्योंकि इसके साथ आती है एक ओक्स लगा के हम गेम के साथ इसको चेक करेंगे कहीं लैग तो नहीं होता है, गेमर्स के लिए ये बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। उसके बाद जितने भी बाकी कॉलिंग के लिए बेस चेक करेंगे या फिर म्यूजिक को सुनेंगे एक बार ओक्स के साथ लगा के, बैटरी बैकअप को क्वालिटी इसकी चेक करेंगे, सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं हम जहाँ पे इसको चेक करने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं इसको भाई परचेस करने के लिए, बोट रोकर Z450 जहाँ पे इसका बॉक्स पड़ा हुआ है देख लो, इस तरह का इसका जो मॉडल है, अगर आप भी सोच रहे हैं इसको परचेस करने के लिए तो इस वीडियो को सबसे पहले देखें, उसके बाद आप देखेंगे इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताऊंगा, जहाँ फिर नहीं है, आपको परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब जितनी भी बातें हैं ना वो रोकर्स 450 हेडफोन के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखे, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको ऑर्डर किया जहाँ पे टाटा क्लिक वेबसाइट है, जल्दी से मैं करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों पैकिंग की बात करें तो पैकिंग काफ़ी सही मेरे को लगी, जहाँ पे अच्छी पैकिंग करके जहाँ पे भेजी है, जहाँ पे बबल बैग आपको देखने को मिलता है, एक और आपको पॉली बैग देखने को मिलता है जिसके अंदर आपका बॉक्स निकल के आता है बोट का। तो इस तरह की इसकी कुछ पैकिंग दिखती है। और जहाँ पे बात करें ना, सामने वाली साइड में आपको एक ट्रांसपेरेंट जहाँ पे कवर देखने को मिलता है, और पीछे वाली साइड की जहाँ पे बात करें ना, जहाँ पे देखने को मिलता है जो हेडफोन की फोटो है, जहाँ पे नीचे भी सपोर्ट करता है, गूगल असिस्टेंट भी जहाँ पे सपोर्ट करता है। हम करते हैं इसको बॉक्स को ओपन। तो जैसे हम बॉक्स को ओपन करते हैं कुछ इस तरह का दिखता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे वाली साइड में हम सबसे पहले एक्सेसरीज़ की बात करें तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं जल्दी से ओपन करता हूँ, तो जहाँ पे एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो जहाँ पे आपको देखने को मिलती है एक केबल, जहाँ पे जो 3.5 mm ऑडियो जैक टू 3.5 mm ऑडियो जैक हमको देखने को मिलती है, मैं जहाँ पे आपको थोड़ी खोल के दिखाता हूँ। तो जहाँ पे केबल की क्वालिटी की बात करो तो यार इतनी अच्छी मेरे को जहाँ पे क्वालिटी नहीं लग रही है, चलो कोई बात नहीं, फ्री में देखने को मिल रही है साथ में। जहाँ पे लेंथ की बात करो तो भाई इसकी लेंथ बहुत बड़ी लेंथ है, उसका यहाँ पे मैं हमको टाइप A2 हमको USB देखने को मिलती है, देखते हैं। इसकी क्वालिटी की जहाँ पे बात करें तो थोड़ी उससे बेटर मेरे को क्वालिटी लगी इसकी। उसके बाद जहाँ पे हमको ये मिलता है एक, जहाँ पे लिखा है इसका गिफ्ट हुए मिस कॉल टू एक्टिवेट जो प्रोडक्ट वारंटी, वारंटी को एक्टिवेट करने के लिए मिस कॉल करें, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद हमको साथ में जहाँ पे एक स्टिकर देखने को मिलता है बोट का, तो बस यही है और खास कुछ नहीं है। फिर हम आते हैं जहाँ पे मेन प्रोडक्ट में, तो मेन प्रोडक्ट हमारा जहाँ इस तरह से कुछ भी इसको पैक किया गया है, तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो जहाँ पे ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, सबसे पहले हमको जहाँ पे जो है वो बोट का लोगो देखने को मिलता है। उसके बाद जहाँ पे बात करें ना, जहाँ पे पूरी प्लास्टिक देखने को मिलती है हमको, हर जगह पे जहाँ पे प्लास्टिक देखने को मिलती है, जहाँ पे अंदर वाली साइड में आपको साइन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे राइट का साइन दिया हुआ है इन्होंने, और इस साइड में आपको जहाँ पे बोआ वो लेफ्ट का साइन आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे ब्रांडिंग है आप देख सकते हैं, जहाँ पे बोट की ब्रांडिंग है, और जहाँ पे ये जो इसका जो टेक्सचर है ना इसका काफ़ी सही है, जहाँ पे साउंड सुन सकते हैं आप, काफ़ी सही लगा मेरे को। अंदर वाली साइड में आपको अच्छे जहाँ पे हेडफोन देखने को मिल सकते हैं, पूरी तरह से जहाँ पे देखो ना स्पंज पूरी जहाँ पे डाली हुई है सही है। यहाँ पे एक आपको माइक्रोफोन देखने को मिलता है, LED लाइट है, जहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक है, ये गाने को आगे पीछे करने के लिए यूज होगा, प्लस का है, जहाँ पे माइनस का है, और जहाँ पे गाने को पॉज करने के लिए और जहाँ पे स्टॉप करने के लिए एक बटन दिया हुआ है। बाकी हम जहाँ पे बात करें तो क्वालिटी मेरे को जहाँ पे ठीक ओके लग रही है। हम इसका जो जहाँ पे जो टेक्सचर दिया हो ना काफ़ी अच्छा, अगर आपको जहाँ पे अगर हाथ लगाते हो ना एक आपको अच्छी यहाँ पे रिच फीलिंग आपको देता है। तो दोस्तों जहाँ पे नीचे वाले बटन के साथ आप आवाज़ को कम कर सकते हैं, ऊपर वाले के साथ आवाज़ होगी वो आपकी ज़्यादा हो जाएंगी, देख सकते हैं जहाँ पे, और जहाँ पे आपको गाने को पॉज करने के लिए और गाने को जहाँ पे प्ले करने के लिए ये बीच वाला बटन यूज होगा। मिडिल बटन को अगर आप दो बार प्रेस करते हो तो जहाँ पे जो कॉल है वो चली जाएंगी, जो आपने लास्ट कॉल किसी को की थी वही कॉल जहाँ पे चली जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको सॉन्ग को पीछे करने का इसको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद जो सॉन्ग है वो आपका पीछे हो जाएगा। सॉन्ग को आगे करने के लिए आपको ऊपर वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, जो आपका सॉन्ग होगा वो ऑटोमेटिक ही आगे चला जाएगा। दोस्तों जहां पे अगर बीच वाले बटन को आप प्रेस एंड होल्ड करते हो ना जहां पे, तो क्या होगा कि जो गूगल असिस्टेंस है ना आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा, जी देख सकते हैं आप। तो यहां पे जो हमको ऑक्स केबल साथ में मिली थी उसके साथ हमने कनेक्ट किया, बांध से भी बहुत सही अभी तो चल रहा है। उसके बाद हम जहां पे एक और पोर्ट हमको देखने को मिलती है जहां पे, ये जहां पे है जहां पे चार्जिंग पोर्ट, तो जहां से आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा।
तो अभी जहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो बैटरी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे बैटरी जहाँ पे इसकी पड़ी हुई थी कम से कम 70% बैटरी में ये कितना टाइम निकालता है, मैं अभी इसको पूरी तरह से यूज करूंगा पूरा दिन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करते हैं, जहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई ये 3 घंटे में पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, लेकिन मेरे को जहाँ पे 3 घंटे से और जहाँ पे 25 मिनट ऊपर लगे, मतलब कि 3 घंटे 25 मिनट जहाँ पे मेरे को लगे हैं, 25 मिनट मेरे को जहाँ पे ऊपर लगे हैं इसको चार्ज करने के लिए। उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई इसके साथ आप गेमिंग करो, म्यूजिक सुनो या फिर कॉल करो, ये 15 घंटे तक आपको बैकअप देगा। भाई इनकी बात बिल्कुल सही है, मैंने इसको कंटिन्यू लगा के रखा, पहले मैंने यूज़ किया, फिर मैंने अपनी फैमिली में किसी को दे दिया, अपने दोस्त को दे दिया कि भाई ये बंद नहीं होना चाहिए, कुछ भी इसके ऊपर करो, गेमिंग करो, कुछ भी करो, मेरे को इसको बैकअप पूरी तरह से चेक करने का है। भाई 15 घंटे से ये ज़्यादा चला है, 15 घंटे से ज़्यादा चलाया, बल्कि फिर भी थोड़ी इसकी बैटरी बची हुई थी और जहाँ पे आई थिंक 5% जहाँ फिर इतनी कुछ बची हुई थी, फिर भी ये चल सकता था, आई थिंक 1 घंटे से थोड़ा कम तो ये चल सकता था। और बैटरी बैकअप की बात करो और चार्जिंग की बात करो, उसमें मेरे को कोई इसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। दोस्तों यहाँ पे इसकी रेंज की बात करो कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे हेडफोन हमको देखने को मिलती है, उसकी रेंज क्या होती है कि जब भी आप एक रूम से दूसरे में जाते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। भाई इसकी रेंज बहुत सही है, मैंने पूरे घर में आसपास इसको लगा के पूरे घर में आगे पीछे जाके देखा, ऊपर नीचे, ऊपर फ्लोर नीचे फ्लोर आके देखा, लेकिन ये कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। इसकी जो ब्लूटूथ की वर्जन की बात करो तो 5.0 हमको लेटेस्ट देखने को मिलती है, जिसके कारण ये जो कनेक्शन होता है ना ब्लूटूथ वाला, बहुत ही सही और प्रॉपर तरीके से कनेक्शन बना के रखता है, ऐसा नहीं होगा कि आपका जो कनेक्शन होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इसकी साउंड की क्वालिटी की बात करें ना, तो यार इसके प्राइस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ ना, इतनी सही साउंड की क्वालिटी है ना, चाहे आप मूवी देख रहे हो या फिर म्यूजिक सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आपको साउंड क्वालिटी इसकी बहुत सही लगेंगी। और जहाँ पे मैंने एक बात इसकी नोटिस किया है, जब भी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ ना ऑक्स के साथ, अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ विद दी हेल्प ऑफ ऑक्स, तब क्या होता है कि मेरे को थोड़ा सा जहाँ पे साउंड ऐसा लगता है कि कभी कभी थोड़े जो बीट्स होते हैं ना वो थोड़े कम आ रहे हैं, या फिर इतनी क्लैरिटी साउंड में नहीं आ रही। तो मैंने इसके लिए बहुत सारे अपने दोस्तों को इसके साथ सुनने को कहा, फिर दूसरी तरह सुनने को कहा, लेकिन बहुत सारे किसी को ऐसा लग रहा था कि भाई दोनों का साउंड बिल्कुल क्लियर है। अगर हम ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं तभी भी साउंड सही है, अगर हम ऑक्स के साथ कनेक्ट करते हैं फिर भी साउंड सही है। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने इस चीज़ को फील किया और उन्होंने मेरे को बताया कि यार ऑक्स के साथ थोड़ी सी क्लैरिटी कम आ रही है, अगर हम इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर इसकी क्लैरिटी ज़्यादा सुनने को मिलती है। तो ओवरऑल बात करें तो किसी किसी को बिल्कुल सही लगा, लेकिन जहां पे बात करो ना दोनों में क्लैरिटी बहुत ज्यादा है और हर एक चीज, हर एक बीट्स आपको सुनाई देता है। अगर आप मूवी भी देख रहे हो, जहां तक कि अगर आप गेम भी खेलते हो ना, आपको पूरा फील होगा कि अगर आप पबजी खेले तो बंदा किस साइड से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है या फिर राइट साइड से आ रहा है, वो भी पूरा आपको जहां पे इस हेडफोन के साथ फील होगा। जहां पे बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी के बारे में और ये कितना कंफर्टेबल है, सबसे पहले इसकी क्वालिटी के बारे में बात करो ना भाई, तो मेरे को बहुत सही है, बहुत ही सही मेरे को जहाँ पे ये लगा है, इसकी क्वालिटी बहुत सही, आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको पटक पटक के कर रहा हूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी की बात करो ना भाई, सही इसकी मेरे को क्वालिटी लगी। किसी भी पोर्ट की जहाँ पे बात करो ना, मैंने इसके पोर्ट के ऊपर ऐसे ऐसे हिला के देखा, जैसे चार्जिंग पोर्ट की बात करो, जहाँ फिर 3.5 mAh ऑडियो जैक की बात करो, ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत बार इसको इनपुट किया, आउट किया, इन किया, कि कभी तो ऐसा होगा कि भाई इसकी पोर्ट हो सकता है कि शॉर्ट हो जाए या फिर ऐसा डिले हो जाए, लेकिन मेरे को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जहाँ पे देखने को नहीं मिली। उसके बाद जहाँ पे बात करें कितना ये कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल लेवल की बात करो तो भाई ये कंफर्टेबल लेवल बहुत जे सही है। जैसे हम जहाँ पे इसको लगा के रखते हैं ना, ये देखिए, अगर आप जहाँ पे सीढ़ी चढ़ रहे हैं या फिर नीचे आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा ऐसा करते हैं ना, देखिए ये ऐसे नीचे ड्रॉप होने वाला नहीं है, पूरी तरह से फिट आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको जहाँ पे देखने को नहीं मिली। कंफर्टेबल लेवल की बात करो तो भाई इसका कंफर्टेबल लेवल मेरे को बहुत सही लगा और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आपको जहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। बल्कि ऐसा नहीं होगा कि ऐसे अगर आप गेम कर रहे हो, कुछ भी ऐसे ऐसे कर रहे हो तो ये ड्रॉप हो जाएगा, या फिर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो या फिर नीचे आ रहे हो या फिर ये नीचे गिर जाएगा। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल लेवल इसका बहुत ज़्यादा है। और तो भाई आपने इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किया, चाहे एंड्रॉइड फोन है या फिर iOS फोन है, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगी, कनेक्ट हो जाता है सबके साथ और सब इसके जितने भी पोर्ट है ना वो भी काम करेंगे। एंड्रॉइड के लिए मैंने बता दिया, अगर iOS के साथ इसको कनेक्ट किया ना, भी इसके बटन है ना, चाहे आवाज़ कम करना, ज़्यादा करना, सॉन्ग को आगे पीछे करना या फिर सीरी का काम लेना, सब कुछ जहाँ पे ये पूरे प्रॉपर तरीके से काम करता है, जैसे जहाँ पे इसके बटन एंड्रॉइड के साथ काम करते हैं, सेम इसके iOS के साथ भी काम करेंगे। बल्कि पूरी तरह से जो कनेक्शन एंड्रॉइड के साथ बनाता है, iOS के साथ भी पूरी तरह से जहां पे बनाता है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करें ना जहाँ पे गेमिंग के लिए, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे पूछते हैं कि भाई गेमिंग के लिए सही है या फिर नहीं है, लैग होता है या फिर नहीं है। आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए अगर भाई आपने इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट किया, चाहे आईफोन की बात करो या फिर एंड्रॉइड की बात करो, थोड़ा सा जहाँ पे एक लैग देखने को मिलता है। अगर आप जहाँ पे परफेक्ट गेमर हो, एक अच्छे गेमर हो ना, तो आपको वो चीज़
फील होगी कि जहां पे यार हमको लैग देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्मल गेमिंग में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा उस लैग के बारे में। तो अगर आप जहां पे ओक्स को लगा के गेमिंग करते हो ना, तो फिर आपको बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिला। मैंने खुद जहां पे गेम खेली है, अपने दोस्तों को भी काफी टाइम इसको चूज करने के लिए देखा, उन्होंने गेम भी खेली, लेकिन भाई उन्होंने भी ये चीज फील की कि इसमें अगर हम जहां पे ओक्स लगा के गेम खेलते हैं तो हमको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता, स्मूथ गेम हमारी बिल्कुल चलती है, साउंड जो होता है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको साउंड सुनाई देगा। लेकिन जहां पे ब्लूटूथ की यहां पे बात आती है तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है, कभी कभी फील होता है, वो भी परफेक्ट गेमर जो होते हैं ना प्रोफेशनल, उनको जहां पे पता चलेगा कि हाँ भाई थोड़ा सा तो जहां पे थोड़ा है वो लैग हो रहा है। गेमिंग के लिए अगर आप परचेस करना चाहते हो तो भाई कर सकते हैं, ओक्स केबल लगा के गेम करें तो काफी सही आपकी जहां पे गेम होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इससे साउंड रिकॉर्ड करते हैं या फिर कॉल वगैरह करते हैं तो मैं आपको इसका साउंड पहले सुना देता हूँ। हेलो, हाँ कैसे भाई? बढ़िया बढ़िया भाई, तू सुना? वो क्या कर रहा था? बस फ्री बैठा था। मैंने ना यार एक बोर्ड के हेडफोन लिए थे, तो वो अब देखो चेक करने का था उसका वॉइस कैसा आ रहा, माइक्रोफोन इतना सही है नहीं, आप बताना मेरे को उसकी वॉइस कैसी आ रही है? सही आ रही है भाई, वॉइस क्लियर आ रही है, थोड़ी सी कम है लेकिन ओके है, क्लैरिटी पूरी है वॉइस। मैं अभी तो थोड़ा जोर से बोलता, अभी कहा कैसी आ रही है? हाँ आ रही है, पूरी सही आ रही है। दोस्तों जहाँ पे साउंड में भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम जहाँ पे देखने को नहीं मिली, इस वाली साइड में आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है जहाँ पे पीसी वाली साइड में, और ये माइक्रोफोन पूरे अच्छे तरीके से काम करता है। अगर मैं जहाँ पे स्लोली भी कुछ बोलता हूँ फिर भी उस बंदे के पास जहाँ पे पूरी तरह से आवाज़ पहुँचती है और उसकी भी बहुत क्लैरिटी के साथ जहाँ पे आवाज़ आती है। तो दोस्तों जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो फिलहाल तो मेरे को कोई नेगेटिव पॉइंट इसका नहीं लगा, लेकिन जहाँ पे अगर आपके थोड़े कान बड़े हैं तो फिर जहाँ पे क्या होता है कि साइड में आपको जे वाला जो होता है ना, इसके अंदर एक थोड़ा सा वो प्लेट वगैरह इन्होंने लगा के रखी है, और अगर कान इस साइड तक आते हैं तो फिर जहां पे ये ऐसे करके अगर प्रेस होना थोड़ा सा जहां पे आपको फील थोड़ा सा दर्द फील होता है अगर आप ज्यादा टाइम लगा के रखते हो, लेकिन वो भी अगर ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हो तो फिर ज्यादा कुछ नहीं होगा, कभी कभी ऐसा फील होता है अगर आपके कान बड़े नहीं, अदरवाइज आपको कोई भी जहां पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों और मेरे को जहां पे कोई भी इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा है, मैंने बहुत ज्यादा इसको ट्राई किया, अलग अलग तरह से मैंने इसको ट्राई किया, दो दिन हो गया भाई इसको मेरे को कंटिन्यू यूज करते हुए, तो बहुत ही गंदे तरीके से मैं इसको यूज कर रहा हूं कि कहीं तो भाई इसका कोई नेगेटिव पॉइंट मेरे को दिखे जो मैं आपको बताऊं। दोस्तों यहां पे जितने प्राइस में जो मेरे को मिल रहा है अगर उतने प्राइस में ही आपको मिलता ना तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, काफी सही मेरे को ये प्रोडक्ट लगा, अच्छा क्वालिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए या फिर किसी भी साइड से अगर आप इस प्रोडक्ट को देखते हो ना, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं जहां पे आपको ये नहीं बोलता कि लेना है तो लो, नहीं लेना तो आपको नहीं लो, इस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट इसकी क्वालिटी चेक किया, इसका साउंड चेक किया, माइक्रोफोन चेक किया, गेमिंग के साथ इसको कनेक्ट करके किया कि गेमिंग में लैग होता है या फिर साउंड का लैग होता है या फिर नहीं होता है, हर एक अलग अलग तरीके से मैंने चेकिंग किया, इसकी पैकिंग भी मेरे को सही लगी। तो जे अगर आप लेना चाहते हो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके साथ आपको ड्यूल दो डिवाइस अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, सपोज कि आपको एक ही मोबाइल, दो मोबाइल है या फिर एक लैपटॉप है या फिर एक मोबाइल है, आप उसको भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जहां से आप प्ले करोगे वही इसके साथ प्ले होगा, दो मोबाइल अगर आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी जहां पे इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो यही है कि आप इसको अगर परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरे को इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। दोस्तों यही था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, कुछ भी आपका सवाल है तो भाई मेरे को कर सकते हैं, जहां पे कमेंट करें मैं आपका आंसर दूंगा, या फिर आपकी जो भी हेल्प होगी मैं जहां पे कर सकता हूं, मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां में भी जितने मैं आपके सवाल होते हैं या फिर कोई आप एडवाइस देते हो आपकी एडवाइस के ऊपर या फिर सजेशन के ऊपर भी मैं कोई नई वीडियो बना देता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना, मैं इस तरह की जितनी भी टेक्निकल वीडियो होती है अपने चैनल के ऊपर बनाता रहता हूँ। थैंक यू।